गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज आज हम लोग कल हम लोग क्या पढ़े थे, कल समाज शास्त्र की क्या पढ़े थे हम लोग, उत्पत्ति पढ़े थे कि समाज शास्त्र किसे कहते हैं। है ना, तो समाज शास्त्र क्या होता है, समाज और शास्त्र दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। इसका होता है समाज का विज्ञान। तो हम लोग कल ये भी पढ़े थे कि समाज शास्त्र को कौन आगे ले गया, समाज शास्त्र कैसी होनी चाहिए, समाज में हम किसका अध्ययन करते हैं। तो समाज का, समाज शास्त्र में हम लोग समाज का विज्ञान अर्थात समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं। कैसे ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से। अब इसके बाद हम लोग इसमें बहुत सारे जो विदेशी क्या थे, विचारक, समाज शास्त्री विचारक थे, प्रवर्तक थे, जैसे आपका कार्ल मार्क्स, उसके बाद आपका अगस्त काम्टे, मैक्स, है ना, उसके बाद इसमें आ जाता है आपका दुर्खिम। उसके बाद भारत का हम लोग वर्णन किए थे कि भारत में जी एस दुरिया जी थे, श्री एस एम एस स्वामीनाथन, उसके बाद महात्मा गांधी। अब इसको हम आगे की ओर ले जाते हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे समाज शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में इमाइल दुर्खिम का। तो इमाइल दुर्खिम का जन्म कहां है, तो जन्म है आपका फ्रांस में। कौन से शहर में, एपिनल, एपिनिल। इसको याद कैसे किया जा सकता है, जैसे दुर्खिम महोदय थे वह एपिनल शहर में थे। अब इसमें हम लोग एपिनल शहर के दुर्खिम के कुछ विचारधारक थे भी थे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इमाइल दुर्खिम फ्रांस के थे और समाज को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए सबसे पहले हम लोग इमाइल दुर्खिम के कुछ विचार थे। उन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी होगी, और हम लोग कल ये भी पढ़े थे कि समाज शास्त्र में की उत्पत्ति जब होती है तो समाज में कैसे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज पहले से भी था, समाज पुरातन काल से भी चली आ रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि समाज को, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि पहले के इंसान मानव युग में आदि मानव लोग कैसे रहते थे, जैसे आज हम लोगों का पहनावा है, इस प्रकार उन लोग नहीं थे। तो समाज पहले संगठित था परंतु वैज्ञानिक ढंग से संगठित नहीं था। इसके लिए इमाइल दुर्खिम महोदय ने भी क्या किया, समाज शास्त्र को वैज्ञानिक ढंग से समझाने का प्रयत्न किया और इसे समाज में व्यवस्थित ढंग से लागू करने के लिए भी किया। तो आप लोग देखते हैं कि 17वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी से ये लागू होता है और 18वीं और 19वीं सदी में ये समाज शास्त्र क्या करता है, आगे की ओर बढ़ता है। और समाज शास्त्र में क्या हुआ कि इसमें समाज को एक निश्चित दायरे में कैसे हम लोग धर्म, जाति, लिंग
जैसे जिस प्रकार हमारा शरीर का रचना हुई है उसी प्रकार सब भाग का अलग अलग होता है। जैसे मुख से हम लोग बोलते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, है ना, नाक से सूंघते हैं, तो इसी प्रकार तो शरीर का एक हर अंग का अलग अलग कार्य होता है। इसी प्रकार इमाइल दुर्खी महोदय ने ये समझाने का प्रयास किया कि कैसे हम लोग समाज को वैज्ञानिक ढंग से आगे ले जा सके। इसके लिए उन्होंने उस समाज शास्त्रीय सिद्धांत दिया। उन्होंने यह पाया कि समाज शास्त्र में सामाजिक क्या था आपका शास्त्रीय सिद्धांत, तो इसमें फंक्शन होते हैं कैसे प्रकार यह किया जाए समाज में। तो उन्होंने उसके जैसे हम लोगों को हम शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए, तो हमारा कोई टीचर होगा, इसी प्रकार इसका जो शिक्षक था वह था हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने के अनुसार वह आगे अपना विचार को सामाजिक तथ्यों को समझने का विचार प्रस्तुत किया आपका दुर्खी महोदय ने। तो उन्होंने सबसे पहले बाह्यपन तो बाह्यपन का मतलब क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि हम समाज में रहते हैं तो अपने घर में रहते कैसे हैं, एकदम सिंपल, कभी अपने पत्नी से, अपने बच्चे से, अपने माता पिता से हम लोग घर की तरह वार्तालाप करते हैं। परंतु जब हम समाज में जाते हैं तो समाज में उठना बैठना एक समाज के दायरे में होता है। ये क्या है, हमें समाज क्या करता है, आंतरिक रूप से प्रभावित तो करता है परंतु हम बाह्य रूप से उसे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसी को कहा गया है बाह्यपन। उसके बाद आपका आता है आंतरिक। तो आंतरिक में हम लोग देखते हैं अब हम आंतरिक में यह समझते हैं कि देखा गया है कि जैसे आपने समाज से कुछ सीखा कि हम लोग नैतिकता होती है ना, कि हम समाज में झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों से स्नेह करना चाहिए, तो हमने समाज से तो सीखा परंतु इसे हमने क्या किया, अपने अंदर में अपने व्यवहार में इसे लागू किया। ये आपका क्या है, आंतरिक है। इसके बाद आता है आपका सार्वभौमिकता। तो सार्वभौमिकता का मतलब है यूनिवर्सल। ये क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे कि सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि जैसे आप एक यूनिवर्स, हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी, पूरी पृथ्वी क्या है, हमारा परिवार है। इसी प्रकार इस सार्वभौमिकता में हम लोग अपने नातेदारी व्यवस्था, धर्म, नैतिकता, जाति व्यवस्था, लिंग, तो ये सभी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, समान रूप से देखते हैं कि कैसे हमें समाज में सार्वभौमिकता प्रतिस्थापित करनी है और कैसे हम समाज को आगे ले जाया जा सके, जिससे क्या है सभी को समान रूप से सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके बाद आता है वस्तुनिष्ठ।
तो इसका सरल एक उदाहरण यह है कि आप लोग कॉम्पिटिशन की एग्जाम देते हैं ना, तो इससे क्या होता है, एक प्रश्न रहता है ए बी सी डी, क्या होता है इसमें ऑप्शन होता है ना। इस ऑप्शन में एक आपने जैसे इसमें भारत का राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, इससे आप लोग क्या करेंगे, जैसे इसमें एबीसीडी ऑप्शन दिया हुआ है तो जैसे अभी हम लोग कह देंगे इसमें रामनाथ कोविंद है, इसके बाद आपका प्रतिभा पाटिल है, राजेंद्र प्रसाद, और एक है आपका द्रौपदी मुर्मू। अब ये है आपका ए बी सी और ए डी। तो आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या करते हैं, ऐसा इसमें प्रश्न पूछा गया भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो एक क्या करते हैं आप लोग राइट मारते हैं सही कौन है। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है ना, इसी प्रकार जब समाज में सब प्रकार के लोग पाए जाते हैं, अमीर गरीब, कोई ऊंच कोई नीच, इसके बाद इसमें होता है कोई विद्वान होता है, कोई मूढ़ होता है, तो कोई आचार्य होता है, कोई शिक्षक होता है, कोई व्यापारी होता है, तो जिस प्रकार का व्यक्ति होता है, जैसे मैं एक शिक्षक हूं तो मैं एक शिक्षक से ही संबंध बनाना चाहूंगा कि क्योंकि मुझे उससे क्या लेना है, कोई सकारात्मक तथ्य है उसे मैं संकलन करूंगा जिसे मैं अपने जीवन में क्या कर सकूं, उतार सकूं। इसी प्रकार वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कि समाज में सबसे पहले जो चार व्यक्ति हैं उन लोगों से मुझे कौन सबसे अच्छा है, जैसे हम लोग प्रश्न में उत्तर देते हैं ना कि कौन सा प्रश्न सही है, इसी प्रकार इसमें भी वस्तुनिष्ठ में होता है। उसके बाद है आपका दुर्खिम का आत्म सिद्धांत। अब आत्महत्या का सिद्धांत, आत्महत्या आप लोग जानते हैं क्या होती है आत्महत्या। अब जैसे कोई आप लोग देखे हैं कि कोई अपने अर्थ गरीबी से आत्महत्या कर लिया, आप लोग पेपर में देखते हैं ना कि क्या करते हैं कि बीच बीच में पेपर में छपता रहता है कि आज किसान ने अपनी आर्थिक तंगी में आकर आत्महत्या कर ली, किसी प्रेमी युगल भी रहते हैं जिसमें आत्महत्या कर ली, कोई और किसी कारण से, किसी अपनी पत्नी से तंग आके, कोई अपने बच्चे से तंग आके, होता है ना। तो इसी प्रकार दुर्खिम ने आत्महत्या का सिद्धांत में ये बताया कि आत्महत्या करने का जिम्मेदारी व्यक्ति का नहीं वरन समाज का होता है। यदि समाज में उन्हें अच्छे से शिक्षा दी जाती कि आत्महत्या करना क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है, आत्महत्या करने से जीवन सफल नहीं हो सकता, आपको अपने समाज में कैसे रहना है, कैसे आप व्यक्ति से संपर्क स्थापित करना, कैसे कैसे व्यक्ति से आपको जुड़े रहना है, समाज में सकारात्मक व्यक्ति से जुड़े रहना है ना कि नकारात्मक व्यक्ति से, कहां पर मुझे हानि होगी कहां पर लाभ होगी। बड़े बड़े व्यापारी आप लोग देखे हैं कि बैंक से कर्ज लेते हैं परंतु वह व्यापार में क्या होती है, उसकी हानि घाटा होती है ना, उसको आप लोग देखे हैं तो वह क्या हो जाता है,
चिंता में मग्न हो जाता है कि मैं कैसे उस कर्ज को उतारूं, वरना मुझे समाज बैंक क्या कर देगी, दिवालिया कर घोषित कर देगी। उसके लिए वह उसके दिमाग में कुछ भी नहीं सूझता, वह क्या करता है, आत्महत्या करता है। तो दुर्खी महोदय ने यह बताया कि व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, समाज जिम्मेदार है आत्महत्या करने के लिए। इसके बाद इसमें प्रकार्यवाद बताया है। तो दुर्खिम का प्रकार्यवाद, प्रकार्य का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, फंक्शन। जैसे आप लोग देखे होंगे कि हमारा शरीर, क्योंकि हम लोग समाज, व्यक्ति समाज की उत्पत्ति है, हम समाज से है, हमसे समाज नहीं है, क्योंकि समाज में व्यक्ति का निर्माण होता है, ना कि हमसे समाज बनता है, क्योंकि समाज एक व्यापक क्षेत्र है और व्यक्ति एक क्या है, अकेला है, इसमें व्यापकता समाहित नहीं होती। तो प्रकार्यवाद में हम लोग देखते हैं कि कैसे शरीर का अंग जिस प्रकार कार्य करता है, उसी प्रकार समाज में हर प्रकार के संभावनाएं विवेचनात्मक, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि समाज में धर्म, राजनीति, लिंग, अर्थ, उसके बाद आपका आ जाता है समानता, नैतिकता, ये बहुत सारे फंक्शन हैं जो समाज को चलाते हैं। जैसे एक व्यक्ति धर्म के अनुसार चलेगा, आप लोग देखे होंगे ना कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार, अपने जाति व्यवस्था के अनुसार क्या करना चाहिए, शादी करनी चाहिए। इसके बाद इसमें राजनीति, तो आप लोग देखे हैं कि समाज में कौन सबसे अच्छा हमारा गांव का विकास कर सकता है, हमारे देश का विकास कर सकता है, राज्य का विकास कर सकता है, तो इसी के अनुसार आप लोग क्या करते हैं, उसे चुनते हैं जिससे हमारा विकास हो सके। तो किसके माध्यम से, राजनीति के माध्यम से। अब लिंग आ गया, तो आप लोग देखे होंगे कि लिंग, तो इसमें एक स्त्रीलिंग होती है और दूसरा पुरलिंग, यानी कि इसमें पुरुष लोग आते हैं। तो प्रकार्यवाद में यह बताया गया है कि समाज में लड़की और लड़का क्या है, समान है, ना एक दूसरे से छोटे। हम लोग देखे होंगे ना कि समाज में कैसे आज भी देखते हैं गांव में कम उम्र के लड़कियों की शादी कर देते हैं, परंतु सरकार के अधिसूचना, सरकार के गजट में प्रकाशित है, राजपत्र में, संविधान में दिया हुआ है कि लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तब वह शादी की लायक होगा। लड़का 21 वर्ष का होगा तब इसमें वह शादी के लायक होगा। हमें लड़की और लड़कों को एक समान मानना चाहिए, जिससे उनकी शिक्षा क्या हो सके, अच्छे से हो सके। आज देखे होंगे कि आज बड़े बड़े पदों में IAS, IPS, PCS, शिक्षक भर्ती, बड़े बड़े पोस्ट में, बड़े बड़े राजनीतिक में आप लोग देखे हैं ना कि अभी आपके नेता, अभी प्रश्न में दिया था मैं, द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति है। तो ये सब क्या है, यदि समानता नहीं होती लिंग को आज भी हम लोग ध्यान में रखते, तो क्या द्रौपदी मुर्मू जी क्या राष्ट्रपति बन सकती थी क्या, नहीं। तो इसके लिए समाज में क्या होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। उसके बाद आपका अर्थ, तो आप लोग देखे होंगे कि जिसके पास जितनी अधिक पूंजी होती है उसे समाज अच्छे दृष्टि से देखता है ना, और जिसके पास कम पूंजी रहती है उसे समाज गरीब तबका कहता है। इसके बाद आपका समानता, तो समाज में
आज हम लोग देखे हैं कि समानता का अधिकार हमें संविधान के मौलिक छह मौलिक अधिकारों में से एक है कि लड़की लड़का, अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति व्यवस्था, सभी में क्या है, हम लोग अब समान हो गए हैं। इसके बाद आपका नैतिकता, तो जिसके पास नैतिकता होता है, नैतिकता हमें कहाँ से मिलती है? प्रथम हमारा शिक्षक होता है माता, परिवार, उसके बाद विद्यालय। तो हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे हमें समाज में अपना प्रत्यक्ष पण करना है, कैसे हमें समाज को आगे ले जाना है, इसके लिए हमें विद्यालय में क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है कि हमें सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी से बड़ों से अच्छे से व्यवहार करना है, छोटों को स्नेह देना है, तीसरी क्या है, नैतिकता में आ जाती है। इसके बाद इसमें आपका तो देखिए दुर्खिम महोदय ने एक और माना है जीववाद। क्या हम कह सकते हैं कि जब शरीर में आत्मा नहीं रहेगी तब क्या होगा, वह शरीर शरीर कहलाएगा? वह शरीर नहीं, वह मृत शरीर कहलाता है। तो इसी प्रकार समाज में जीववाद की परिभाषा किसी ने दिया है तो वह क्या है, दुर्खिम महोदय ने दिया है। दुर्खिम महोदय मानते हैं कि जिस प्रकार जब तक शरीर में आत्मा है तब तक वह क्या करता है, शरीर शरीर होता है, समाज को एक नया राह दिखा सकता है, समाज का वह अंग होता है, परंतु जब वह जीव आत्मा क्या होती है, शरीर से बाहर चली जाती है, तब वह क्या होती है, मृत शरीर हो जाता है। इसी प्रकार समाज को भी बताया है, यदि किसी समाज में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भावना लेके चलते हैं नहीं चलते हैं, इसमें क्या होता है, समाज को पता है कि हमें यदि समाज में जीना है तो समाज के अनुरूप ढलना चाहिए, समाज के अनुसार चलना चाहिए, किसी को समाज से हम लोग बहिष्कृत नहीं कर सकते। एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, इन्होंने कहा था कि यदि कोई इंसान समाज से बाहर रहता है तो या तो वह देवता है या तो वह पशु है। इसका मतलब ये है कि समाज में कौन रहता है, समाज में मानव रहता है, और क्या मानव जंगल में रहते हैं, नहीं रहते, उसके लिए समाज में निर्धारण किया है कि समाज की अपनी रीति रिवाज, धर्म, नैतिकता, सभ्यता, संस्कृति, धार्मिक आचार व्यवहार कि कैसे हमें समाज के अनुसार चलनी है। उसके बाद दुर्खिम के प्रकार का धर्म, अपराध एवं श्रम विभाजन। तो धर्म तो आप लोग देखे हैं कि हमारे देश में धर्म है, चार धर्म मानते हैं, ऐसे तो रहने के लिए और कुछ धर्म है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध। तो सब की क्या होती है, अलग अलग रीति रिवाज, संस्कृति, सभ्यता होती है। जैसे हिंदू में 16 संस्कार होती है, होती नहीं होती है, हम मंदिर जाते हैं भगवान के पूजा करने के लिए, यहीं पर कोई मुस्लिम है तो 5 वक्त का नमाज पढ़ेगा, मस्जिद जाएगा, जैन है तो वह भी अपने महावीर स्वामी के मंदिर में जाएगा, उसके बाद बौद्ध भी मंदिर में जाएगा। आप लोग देखें सिख गुरुद्वारा जाते हैं, मठ मंदिर है, ये सभी क्या है, धर्म के दायरे में आता है। उसके बाद आपका अपराध है, यदि कोई व्यक्ति समाज में रह के वह समाज से दूर रह के
वह केवल क्या कर सकता है, अपराध कर सकता है। आप लोग देखे हैं ना कि व्यक्ति को यदि उस एक छोटे से नन्हे बालक को, हम लोग बोलते हैं ना कि एक छोटे बालक कहीं बचपन में कहीं बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत झूठ बोलता है, तो उसके हम लोग प्रवृत्ति को निर्धारण कर देते हैं कि वह आगे चल के झूठ बोलेगा, वह आगे चल के अपराधी प्रवृत्ति का होगा। क्यों? क्योंकि हम उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं कि कैसे वह, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सुधारने का कोशिश करते हैं कि बच्चे को समझाया जाता है कि आपको सदा सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है किसी चीज की। आप लोग छोटे बच्चे देखे हैं ना कि वह यदि किसी चीज की मांग करता है तो यदि माता पिता उसकी एक बार रोने से यदि उसकी पूर्ति की जाती है तो बच्चा जान जाता है कि यदि मैं रोऊंगा तो मुझे वह वस्तु क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। तो इसके लिए वह धीरे धीरे वह बड़ा होता है। यदि उसके यहाँ पर उसे सुधारना है तो उसकी मांग को नजरअंदाज करना पड़ेगा। करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए उसको बचपन से ही क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। उसको ऐसी शिक्षा, ऐसी संस्कृति, ऐसी वातावरण में क्या करना पड़ेगा, जीवन जीने का तरीका सिखाना पड़ेगा कि कैसे शिक्षा लेना है, कैसे बड़ों से बात करनी है, कैसे समाज प्रदर्शित करने है। आप अच्छे से पढ़ोगे तो बड़े बड़े अधिकारी बनोगे, अच्छा व्यापारी बनोगे, अच्छे बिजनेसमैन बनोगे। होता नहीं होता है, माता पिता करते हैं ना। कोई भी यदि वह गरीब है, उसको खाने की कमी है, उसको पैसे की कमी है, तब वह क्या करता है, अपराध करने के लिए तैयार हो जाता है। आप लोग देखे हैं ना कि बड़े बड़े घर में या छोटे घरों में, परिवार में अच्छा माहौल नहीं मिलता तो बच्चे लोग चोरी, डकैती, मर्डर, ये सभी चीजें कहाँ सीखते हैं। समाज में यदि उसकी प्रवृत्ति, अपराधी प्रवृत्ति हो जाती है तब उसको सुधारने के लिए बाल सुधार गृह होता है, सरकार के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से। क्यों होता है? क्योंकि बच्चा एक अपराधी ना बन सके। क्योंकि एक छोटा सा, हम लोग कहावत करते हैं, एक गंदी मछली पूरी तालाब को गंदा, मगरमच्छ या गंदी मछली है वह तालाब को पूरी गंदा कर देता है। इसी प्रकार एक अपराधी प्रवृत्ति का बालक या मानव या व्यक्ति होगा, वह पूरे समाज को क्या करता है, विकृति निर्धारण करता है। उसके बाद आपका श्रम विभाजन। श्रम का मतलब होता है मजदूरी या कार्य करना, और विभाजन का मतलब बंटवारा होता है। तो इसमें होता है श्रम का विभाजन। तो पहले आप लोग देखे हैं कि पहले कर्म के अनुसार से व्यक्ति क्या करता था, शिक्षा ग्रहण करता था। पहले जाति व्यवस्था नहीं थी। कर्म का हमारे हिंदू ग्रंथ में, भगवद गीता में कहा गया है कि कर्म के माध्यम से व्यक्ति अपना वर्ण चुन सकता है। आज वर्ण व्यवस्था है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, परंतु पहले वह करता था क्या, नहीं। किसको? कर्म के अनुसार यदि कोई अच्छा विद्वान पुरुष है या विद्वान महिला है तो वह अपने शिक्षा, अपने कर्म के माध्यम से ब्राह्मण बन सकता है। आजकल देखे होंगे कि आजकल महिलाएं भी भागवत गीता करती है, रामायण करती है, कथावाचक करती ही करती है। इसी प्रकार समाज में दुर्खी महोदय ने यह किया कि यदि श्रम का विभाजन अपने अनुसार जब आप चुनते हैं, आपके जैसे परिवार में होता है ना कि दसवीं का पास पेपर हो गया और आपका कहीं इंटरेस्ट, रुचि यदि विज्ञान में है और आपके माता पिता बोल रहे हैं कि आप गणित लेके पढ़ो, तो अरुचि से किया गया कार्य क्या होता है, हमेशा हानिकारक होता है। तो इसी प्रकार दुर्खी महोदय ने समाज में यह बतलाया कि यदि समाज को सुचारू रूप से, अच्छे गति से, विस्तार पूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य करना है
तब श्रम विभाजन का कार्य करना पड़ेगा। यदि किसी का इंटरेस्ट शिक्षा देने में है तो वह शिक्षा की और रुचि दिखाए, यदि किसी को पेंटिंग करना है तो पेंटिंग दिखाए, यदि किसी को कुम्हार करना है कुम्हार लोग मटका, कोई चित्रकार बनता है, कोई मूर्तिकार। थ्री इडियट्स पिक्चर देखे है ना, इसमें तीन जोड़ी थी है ना, तो इसमें तीन व्यक्ति थे, एक व्यक्ति इसमें जो इंजीनियर का छात्र था वो मजबूरी में आ गया, परंतु उसकी रुचि किसमें थी, पेंटिंग बनाने में। एक को इंजीनियर बनना था। इससे पता चलता है कि यदि आप अपने रुचि के अनुसार यदि कार्य करोगे तो समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकते हो। यदि आपका श्रम विभाजन नहीं है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर थोपी गई कार्य अधिक दिनों तक क्या होती है, सफलता नहीं दिला सकती। कई लोग होते हैं ना कि एक व्यापार व्यापार करते हैं, फिर दूसरे बाद दो महीने के बाद दूसरा व्यापार शुरू कर देते हैं। इससे क्या होती है ना, वह इस तरह होता है ना उस तरफ होता है, वह क्या करता है, व्यापार सही रूप से नहीं कर सकता ना अनुभव ले सकता। क्योंकि आप लोग देखे होंगे यदि आपकी मानसिकता, हम लोग घोड़े के चेहरे में ऐसे लगा रहता है, क्यों, क्योंकि उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, सीधा अपने लक्ष्य पर, अपने राह पर। इसीलिए दुर्खिम महोदय ने भी यह माना कि यदि श्रम विभाजन करना है तो समाज में व्यक्तियों की रुचि के अनुसार किया जाए। दुर्खिम की समाज शास्त्री परंपराएं, तो दुर्खिम का समाज शास्त्री परंपराएं, इसमें एक बुक लिखा हुआ है द डिविजन ऑफ लेबर सोसाइटी। तो शास्त्रीय परंपराएं आप लोग देखे हैं कि एक व्यापारी का, एक बनिया का बेटा बनिया होता है, एक ब्राह्मण का ब्राह्मण होता है ना, वह भी चाहता है कि क्या करे, परंपराएं होती है ना कि हमारा जो आदिकाल से देखे आपने आए हुए हैं कि हम कब से दीपावली की चलती है, होली मनानी है, छेरछेरा मनानी है, ये सभी क्या है, हमारे हिंदू समाज की परंपराएं हैं। परंपरा होती है, घरों में भी होती है। इस समाज के दायरे में रह के अपने परंपरा को क्या करना, लागू करना, कि कैसे हम परंपरा के अनुरूप चल सके। तो इसमें पारस्परिक निर्भरता बनी रहती है। पारस्परिक निर्भरता का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना। यदि किसी ब्राह्मण का कार्य कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो इससे क्या होती है, परंपरा में समाज विभेदीकरण हो जाता है। आप लोग देखे है ना कि यदि कोई अच्छा शिक्षक है और यदि मैं समाज से किसी व्यक्ति को ला के खड़ा कर दूं यहां पर कि चलो भैया आज आप पढ़ाओ, क्या वह अच्छे से पढ़ा सकता है क्या, नहीं। तो कुछ परंपराएं होती है,
शिक्षक की, इसी प्रकार हर समाज में भी होती है कि एक मजदूर अच्छे से मजदूरी कर सकता है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अमीर घराने का है। अब राजा को आप लोग कहोगे कि चलो आज आप खेत में मजदूरी करो, क्या कर सकता है क्या? नहीं। तो सबकी एक नियम कानून बंधी हुई है, परंपराएं होती है, तो वह क्या है, पारस्परिक निर्भरता रहती है। तो समाज में क्या होता है, समाज सुचारू रूप से चलता है। पहले के जमाने में देखे होंगे आप लोग, कुम्हार का काम केवल क्या करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, नाई का काम केवल बाल काटना, ब्राह्मण का काम होता था वेद पाठ और क्या करना, ज्ञान देना, शिक्षा देना, बनिए का काम क्या था, व्यापार करना, क्षत्रिय का काम क्या था कि समाज देश राष्ट्र की सुरक्षा करना। इससे ये क्या है, उसकी वह परंपराएं हैं। हमारी समाज में परंपराएं होती है ना, कि 16 संस्कार होती है हमारे हिंदू धर्म में। इसी प्रकार आप लोग देखे होंगे कि इसमें जो सिख होते हैं वह कटार पहने रहते हैं, चूड़ा पहने रहते हैं, सीखा रखती है, तो क्या है उनकी वह परंपराएं हैं। तो दुखे महोदय ने अपने डर का डिवीजन आप लेबर इन सोसाइटी में, समाज में कैसे शास्त्रीय परंपराएं सुनिश्चित किया जा सके, इसका क्या किया, वर्णन किया या प्रवर्तक किया, बताया कि कैसे समाज में परंपराएं समाज को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें आ जाते हैं कुछ रचनाएं हैं। आप देखे होंगे कि दुर्खिम महोदय ने कुछ पुस्तकें लिखी थी, तो एक पुस्तक का नाम है द डिविजन ऑफ बाद है आपका अब आत्महत्या, तो इसे एक बुक लिखी थी सुसाइड, एक बुक का नाम है आपका रूल्स ऑफ, मेथड और एजुकेशन मोरल सोशलिज्म, तो कुछ रचनाएं लिखी। इसमें समाज को बताया कि समाज को हम कैसे, किस ढंग से सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके, कैसे उसकी उन्नति कर सके, समाज में एक अच्छे नैतिकता का विकास हो सके, इसके लिए बुक है। अब आ जाते हैं हम मैक्स वेबर, जन्म हुआ था जर्मनी के
एक फुडू, एक फुटू, अब उन्होंने जैसे इमाइल दुर्खी महोदय थे, उन्होंने समाज शास्त्र के लिए कुछ सिद्धांत दिए, इसी प्रकार मैक्स वेबर ने भी कुछ सिद्धांत दिए हैं, जिसका जन्म है आपका जर्मनी एपडू शहर में। अब इसमें कुछ सिद्धांत है, जिस प्रकार दुर्खी महोदय ने समाज शास्त्री सिद्धांत बताए हैं, उसमें ये कहा गया था कि कैसे समाज को व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से चला सके। अब वेबर महोदय ने इसमें समाज में व्यक्ति के महत्व को ना देके व्यक्ति के वैल्यू अर्थात मूल्य की बात की है। आप लोग जानते हैं ना कि जैसे कीमत, सोने का कीमत वैल्यू क्या है, मार्केट में सबसे ज्यादा है, सोने से भी ज्यादा किसका वैल्यू है, आपका हीरे का। चांदी की वैल्यू सोने से कम है। आप देखे हैं भोजन के, इसमें कई फल सेब का मूल्य कम ज्यादा होता है, इसी प्रकार आलू का, प्याज का वैल्यू होता है, इसी प्रकार समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति का भी मूल्य होता है। एक शिक्षक का मूल्य विद्यार्थियों से अधिक है, बेटे का मूल्य पिता से कम है। तो इसी वैल्यू को वेबर महोदय ने बताया कि यदि समाज में किसी व्यक्ति को अपना मूल्य वैल्यू बढ़ाना है, इसके लिए समाज में क्या करना पड़ेगा, समाज के अनुरूप व्यवहार करना पड़ेगा, कैसे हम समाज को आगे ले जाया जा सके, तो इसके लिए कुछ सिद्धांत बताए हैं, जिसमें आपका एक बोलते हैं ना कि हम आदर्श स्थापित करना, क्यों? क्योंकि आदर्श का मतलब होता है समाज में एक अपना नियम कानून लागू करना। एक आप लोग देखे हैं, यदि कोई गांव या शहर में कोई व्यक्ति समाज में कहीं प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो वह अपने पद के अनुसार वह व्यवहार करता है, पद के अनुसार वह चलता है, पद के अनुसार वह भोजन, उसका रहन सहन सब चीज अलग होता है। क्यों? क्योंकि वह अपने स्टेटस, अपने व्यक्तित्व को समाज में प्रदर्शित करता है। आप लोग देखे हैं ना कि एक जिले का अधिकारी, आईएएस अधिकारी, क्या नॉर्मली कहीं पर आ जा सकता है? क्या नहीं? क्योंकि उसकी पद की गरिमा को रखने के लिए, उस पद का वैल्यू मूल्य को बनाने के लिए समाज में वह उसी पद के अनुसार क्या करता है, व्यवहार, आचरण, आदर्श प्रतिस्थापित करता है। इसके बाद आपका इसमें आदर्श, तो वह क्या करता है, अपने व्यवहार तर्क वितर्क करता है। एक शिक्षक अच्छे से शिक्षा दे सकता है, परंतु क्या एक क्लर्क दे सकता है? क्या एक विद्यार्थी क्या पढ़ा सकता है? क्या नहीं? तो इसके लिए वह तर्क संगत व्यवहार करता है, नैतिकता स्थापित करता है, समाज को आगे ले जाने के लिए देश में नए नए, आप लोग देखे होंगे कि नवाचार आ गई है, कि कैसे आजकल देखे हैं ना कि बड़े बड़े आजकल किसान में, किसान लोग थ्रेसर से करते हैं कटाई बुनाई, यहाँ पर सब व्यक्ति की जरूरत कम, मशीनों का युग आ गया है।
हर कार्य मशीन से करता है। जैसे इस ब्लैक बोर्ड को देखिए, पहले एक ब्लैक बोर्ड होता था, आजकल ये है। पहले के जमाने के लोग पहले यात्रा करने के लिए, किसी संदेश पहुंचाने के लिए क्या करते थे, डाक पत्र का उपयोग करते थे, आज मोबाइल से पहुंच जाता है। तो क्या है इस समाज शास्त्री कुछ सिद्धांत जिसे मूल्य को स्थापित करना है, कि समाज में जितना ज्यादा मूल्य होगा उस व्यक्ति की विचारधारा का पालन करने के लिए व्यक्ति आगे आएगा, वह समाज को आगे ले जाने के लिए तत्पर रहता है। आप लोग देखे हैं ना कि एक राजनेता के पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं, क्यों? क्योंकि वह समाज में अपना वैल्यू प्रतिस्थापित किया है कि मुझे समाज को कैसे आगे ले जाना है। एक आईएएस अधिकारी कैसे एक जिले को चलाता है, एक प्रधानमंत्री है, तो एक पद की गरिमा होती है, उस पद की गरिमा को रखने के लिए वह अपना वैल्यू बनाए रखता है। यदि सोने का कीमत धड़ाम से मार्केट में गिर जाए, जो अभी 1,00,000 रुपए समथिंग तोला है, मालूम नहीं है रेट, परंतु चांदी से क्या है उसकी वैल्यू अधिक है। क्यों? क्योंकि वह संसाधन हमारे जमीन में, हमारे भूमि में कम है, और जिसकी वैल्यू, जो संसाधन कम होती है उसकी वैल्यू मार्केट में क्या होती है, अधिक होती है। इसी प्रकार समाज में बहुत सारे लोग हैं, परंतु तर्क करने की, वितर्क करने की, समाज में सोचने समझने के लिए, देश राष्ट्र के लिए, आप लोग देखे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को ही राष्ट्रपिता क्यों बनाया गया, और किसी व्यक्ति को राष्ट्रपिता बना देते, क्यों नहीं? क्योंकि महात्मा गांधी की देश के प्रति कुछ समर्पित व्यवस्थाएं थी, उन्होंने देश के लिए सोचना शुरू किया, देश को आगे ले जाने के लिए। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, क्यों? और किसी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उसकी वैल्यू है, उसकी हर व्यक्तित्व की क्या होती है, वैल्यू होती है, वह एक एक शब्द क्या समझता है, इस नाम से वैल्यू को बनाने के लिए। तो इसमें आपका वेबर महोदय ने वैल्यू की, मूल्य की बात की है। अब इसमें आपका समाज साथी सिद्धांत संबंधित पूंजीवाद, देखिए पूंजीवाद का मतलब होता है कि 80% यदि देश के, राज्य का या विश्व का, तो अलग अलग संसाधन होती है। तो हमारे देश में आप लोग देखे हैं ना कि अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, टाटा, तो जितनी संपत्ति उन लोगों के पास है, उतनी संपत्ति क्या समाज गरीब तबकों के पास है? नहीं। क्यों? तो इसी को कहा जाता है पूंजीवाद, यानी कि देश के अधिकतर संसाधनों में निम्न समूह के व्यक्तियों के पास पूंजी का होना। तो व्यक्ति पूंजीवाद की आलोचना नहीं की, परंतु साम्यवाद की आलोचना, सामंतवाद का आलोचना किया हमारे वेबर साहब ने। सामंतवाद होता क्या है, आप लोग देखे होंगे कि पहले जब हमारा देश गुलाम था, तो इसमें तो बहुत सारे संसाधनों में इसका हाथ था अंग्रेजों का। तो अंग्रेज लोग अपने एक महारानी के नीचे, जैसे अब आज के दौर में देखेंगे तो देश में होता है राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल, फिर राज्यों में मुख्यमंत्री, फिर राज्य के नीचे में जिला होता है,
फिर जिला में ग्राम होता है। तो इसी प्रकार तो कहीं बस पूंजी का सामंतीकरण हुआ, ये पूंजी कहां आ गई, सामंतवाद में। देश के बहुत सारे संसाधन में सामंत का कब्जा था। देश का विकास करना है, देश को आगे ले जाना है, तो इसके लिए सामंतवाद क्या था, समाज के लिए रोड़ा का काम करता। जैसे ब्रेकर होती है ना, इसे क्या समझते हैं कि जहां आप लोग ब्रेकर में गाड़ी रहती है, रफ्तार से आती है, उसके बाद आपका रफ्तार ब्रेक मारोगे तो जस्ट ब्रेकर में रफ्तार रुक जाती है। इससे इसी प्रकार सामंतवाद में क्या होता है कि बहुत सारे पूंजी धन ये सामंत लोगों के पास था, जो देश को, जो राज्य के नागरिकों को अपने अंदर में दास प्रथा, दास बना। पहले के जमाने में देखे होंगे ना, गांव में क्या लगता था, मालगुजारी प्रथा थी, तो कमियां का काम होता था। तो वह एक निश्चित रुपये में साल भर के लिए वह क्या होता था, उस मालगुजार की सेवा करता था, घर का काम, बाहर का काम, इससे क्या होता था, वह सामंत के पास पूंजी का स्रोत निश्चित था। परंतु वह एक 10,000 रुपए उस दास को दे देते हैं, हम 10,000 रुपए में एक वर्ष के लिए आप इसे दास को 10,000 रुपए में पूरा साल भर का अपना खर्च चलाना है। वह कहीं पर बंधुआ मजदूर कहते हैं, क्या होता है कि वह कहीं और अलग जगह काम नहीं कर सकता, वह एक निश्चित जगह में बंध के रह जाता है। वह अपना आर्थिक विकास नहीं कर सकता, अपना सामाजिक विकास नहीं कर सकता, क्योंकि इसका निश्चित टाइम होता है। जैसे हम लोग देखे होंगे ना कि कर्मचारी लोग, सरकारी कर्मचारी रहे या प्राइवेट कर्मचारी रहे किसी संस्था में, इससे पता चलता है कि आप लोग एक निश्चित समय के लिए 8 घंटे के लिए क्या है, बंधे हुए हैं, कि आप उस 8 घंटे में कहीं आ जा नहीं सकते, आपको इस ऑफिस का कार्य करना पड़ेगा ही। इसी प्रकार बंधुआ मजदूर थे। इस पूंजीवादी व्यवस्था को उन्होंने नकारा नहीं, परंतु सामंतवादी व्यवस्था का घोर विरोध किया। किसने किया, तो वेबर महोदय ने। उसके बाद इसमें एक तार्किक क्रियाएं हैं, पहला इसमें दिया हुआ है तार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया क्या होती है, आप लोग देखे होंगे कि छोटे बच्चे अपने माता पिता से किसी चीज के बारे में पूछते हैं तो वह तर्क करते हैं। जिसके पास ज्ञान होता है वह व्यक्ति क्या करता है, तर्क करता है। इसी प्रकार वेबर महोदय ने इस सिद्धांत के कुछ क्रियाएं बताई है। यदि समाज को आगे ले जाना है तो हमें तर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं हैं, जिसे समाज से यदि खत्म करना है तो तर्क करना पड़ेगा। कैसे, कि समाज में जाति व्यवस्था,
हमारे संविधान में भी दिया हुआ है अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार क्यों कहा गया है? क्योंकि यदि यह समाज में व्याप्त होगी तो समाज आगे नहीं बढ़ सकती, इसके लिए हमारे मौलिक अधिकार प्रदान किए। तो हमसे हम संविधान के दायरे में रह के हम लोग समाज को आगे ले जाने के लिए तर्क कर सकते हैं, इससे पता चलता है कि कैसे हमें समाज के अनुरूप जीवन जीना है। इसके बाद आपका आता है मूल्यों पर आधारित। तो आप लोग देखे हैं कि कोई ईमानदार व्यक्ति होता है, उसकी नैतिकता होती है, तो वह व्यक्ति अपने मूल्य के आधार पर ही कार्य करता है, अपना मूल्य बनाए रखता है समाज में कि कोई गलत काम नहीं करना है, सही काम करना है, अपने कार्य से काम लेता है कि मुझे दूसरे और तरीके से पैसा धन एकत्र नहीं करना है। कई लोग होते हैं ना कि मुझे केवल ईमानदारी का ही पैसा चाहिए। इससे क्या पता चलता है कि समाज में उसकी वैल्यू निर्धारित है, वह समाज में एक अच्छा वक्तव्य हो सकता है, वह अच्छा कार्य कर सकता है, समाज को प्रेरित कर सकता है। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि जब तक हम अनुकरण नकल करके सीखते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि समाज में यदि रहना है तो समाज के अनुसार चलो, क्यों कहते हैं कि समाज में नियम कानून होती है, अपनी परंपराएं होती है, सभ्यता होती है, संस्कृति होती है। तो अपना वैल्यू निश्चित करने के लिए समाज में आपका व्यवहार होता है, आदर्श प्रतिस्थापित करना पड़ता है, इसके लिए मूल्यों का विकास करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसके बाद आपका संवेगात्मक क्रिया। तो आप लोग देखे होंगे कि व्यक्ति समय के साथ हंसता है, समय के साथ रोता है, होती कि नहीं होती है? जैसे आप लोग देखे हैं कि कोई नन्हा सा बालक जब होता है तो परिवार में बहुत खुशी छा जाती है, कोई परिवार का बेटा नौकरी पा जाता है, किसी की शादी होती है तो वह बहुत भावात्मक हो जाता है, इमोशनल खुशी हो जाता है। परंतु यदि परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी का नौकरी छूट जाता है, वह गरीब हो जाता है, उसका कहीं पर जॉब नहीं लगता, तो वह भावनात्मक तौर पर नकारात्मक उसका दिमाग में क्या होता है, वह घुस जाता है कि कैसे हमें इससे निकलना है। इस संवेगात्मक क्रिया भी होती है समाज के अंदर। आप लोग देखे होंगे किसी के दुख में दुखी होना और किसी के सुख में सुखी होना, यह संवेगात्मक क्रिया को प्रदर्शित करती है। इसके बाद हम आते हैं परंपरागत क्रियाएं। अब परंपरागत क्रियाएं में आप लोग देखे हैं कि शिक्षा, बचपन में हम लोग क्या करते हैं, माता जब घर छोड़ते हैं तो हम लोग सबसे पहले कहाँ जाते हैं, विद्यालय में। विद्यालय में हम लोग विद्या अध्ययन के सिवाय नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास भी होता है। हम समाज में प्रतिष्ठित होने के लिए अच्छे अच्छे कार्य को करते हैं कि कैसे मुझे अच्छे नंबरों से पास होना है, कैसे मुझे समाज में अपना मूल्य स्थापित करना है, कैसे समाज में संस्कृति। आप लोग देखे हैं कि जिस परिवार के माता पिता यदि अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं तो बच्चे भी धार्मिक प्रवृत्ति होते हैं। यदि उसके घर में माता पिता बहुत लड़ते झगड़ते हैं तो बच्चा झगड़ालू होता है। यदि परिवार के सदस्य बहुत शिक्षित है तो वहाँ का बच्चे क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं। तो ये क्या है, परंपरागत है शिक्षा के, हर धार्मिक कार्य में जाना, सांस्कृतिक तौर पर समाज में प्रतिष्ठित होना, अपनी परंपराएं देखना, हर रीति रिवाज, लिंग धर्म जाति व्यवस्था के अनुसार चलना, ये सभी क्या है, परंपरागत क्रिया है। इसके बाद इसमें मैक्स मूलर का पद्धति शास्त्र।
तो वेबर महोदय ने कुछ पद्धति दिया है, मेथड होता है ना, कि समाज में कैसे अर्थपूर्ण व्यवहार करना है, कैसे नैतिकता का विकास करना है, कैसे हमें अपने समाज को प्रतिष्ठित करना है, कैसे मैं अपने शिक्षा को अच्छे से कर सकूं, कैसे हर परिवार में समाज में होता है कि मैं अपने समाज को अच्छे से आगे ले जाया जा सकूं, कैसे अपने देश को आगे ले जाऊं, इसके लिए कुछ पद्धति होती है। तो इसमें आता है आपका नैतिक विकास। अब नैतिक विकास अर्थपूर्ण रूप से आप लोग देखे हैं कि हर चीज का एक अर्थ होता है। समाज में यदि आपको अर्थविहीन व्यक्ति और अर्थपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होना पड़ता है, समाज के व्यक्ति जाति में अपना नैतिकता विकास करता है, परंपराएं होती हैं, उसकी धार्मिक प्रवृत्ति होती है, सामाजिक रचना होती है, आर्थिक रूप से होती है, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, ये क्या है, अर्थपूर्ण तरीके होते हैं, पद्धति होती है कि उस पद्धति के माध्यम से बच्चे में, जैसे आप हम देखते हैं कि हमारे हिंदू समाज में 16 संस्कार, ये 16 संस्कार कैसे होती है, जन्म से मृत्यु तक। इससे क्या समझते हैं आप कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका अन्नप्राशन होता है, फिर यज्ञोपवीत होता है, फिर शिक्षा ग्रहण के लिए होता है, फिर 25 साल के अवस्था में हम लोग 4 वर्ण के दिए हुए हैं, एक गृहस्थाश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ, फिर सन्यास, ये वर्ण व्यवस्था है। समाज की क्या है, पद्धति है, हम उस पद्धति के अनुसार क्या करेंगे, आचरण करेंगे, इस पद्धति के अनुसार ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बिना पद्धति के कोई भी होता है ना, कि आप लोग देखे हैं कि एक नियम कानून होता है कि यदि कोई शिक्षक यदि आपको शिक्षा प्रदान कर रहा है तो मैं ये कहूं कि मैं पहले आपको MCQ करवाता हूं उसके बाद पढ़ाता हूं, मैं ये कहूं कि पहले मैं एग्जाम्पल दे देता हूं उसके बाद पढ़ाऊंगा, या पहले पढ़ाऊंगा फिर बाद में एग्जाम्पल दूंगा। आप लोग देखे हैं ना कि जीवन से जोड़ के यदि आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, समाज को साथ लेके नहीं जाओगे, तब क्या होता है, वह अर्थविहीन समाज हो जाता है, अर्थपूर्ण नहीं होता। इसके लिए पद्धति का निर्धारण किया गया है कि कैसे हम समाज में अलग अलग पद्धति से विकास कर सकते हैं। जीवन में एक सामाजिक पद्धति होती है, राजनीतिक पद्धति होती है, अर्थपूर्ण तरीके से, अर्थविहीन नहीं, अर्थपूर्ण रूप से, कि कैसे हमें अपने समाज में प्रतिष्ठित होना है। इसके बाद आपका धर्म शास्त्र आ जाता है, वेबर का धर्म शास्त्र। धर्मशास्त्र क्या होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग धर्म शास्त्र होती है। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं समाज शास्त्र, समाज का पूर्ण रूप से क्या करना, विकास करना, समाज में हम जितने प्रकार के तत्व होते हैं उसे हम लोग अपने व्यक्तित्व में क्या करते, उतारते हैं। समाज में हम समाज का राजनीतिक, समाज का आर्थिक, समाज का नैतिकता, यानी कि व्यापक तरीके से समाज में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो भी वैज्ञानिक ढंग से, इसे हम लोग समाजशास्त्र कहते हैं। इसी प्रकार धर्मशास्त्र होती है,
जैसे हमारे धर्म हिंदू धर्म में देखे होंगे आप लोग कि 18 पुराण है, 4 वेद है, 6 उपनिषद है, 16 संस्कार है, ये सब क्या है? शास्त्र के अनुरूप है कि कैसे हमारे ऋषि मुनि कुछ सिद्धांत दिए हैं। यदि समाज को धर्म को आगे बढ़ाना है तो हम लोग धर्म में जो राम कृष्ण विवेकानंद स्वामी दयानंद रामकृष्ण परमहंस ये सभी क्या थे? हमारे धर्म के उद्भवक के रूप में प्रणेता थे, जिन्होंने धर्म में राजा राम मोहन राय सती प्रथा का अंत किया। क्यों किया? क्योंकि उसको समाज को आवश्यकताएं थी। समाज में यदि जीना है तो बिना धर्म के व्यक्ति नहीं जी सकता, क्योंकि यदि उसे उस समाज में रहना है तो किसी न किसी धर्म में आस्था विश्वास होती भी होती है। सगुण रूप निर्गुण रूप पढ़ते हैं ना कि भगवान का सगुण रूप है, इसमें मूर्ति स्थापित होती है। यदि हम निराकार कबीर तुलसीदास ये सब क्या है? हमारे धर्म के व्यवस्थाओं को बताया गया, 4 वर्ण स्थापित किए गए हैं। इससे पता चलता है कि हमें अपने धर्म के अनुसार, इसी प्रकार सिख में 5 तत्वों का शामिल किया हुआ है, चूड़ा पहनना है, बाल रखना है, दाढ़ी रखना है, कटार रखना है, गुरु ग्रंथ साहब का सम्मान करना है, गुरुद्वारा जाना है, मंदिर जाना है, पूजा अर्चना करनी है, ये सभी क्या है? धर्म शास्त्र में इसका वर्णन किया गया है। तो इसमें वेबर महोदय ने ये बताया कि व्यक्ति यदि समाज में आता है, समाज में वह अच्छा आचरण करता है, तो बिना धर्म के नैतिकता के संस्कार के संस्कृति, ये सभी चीजें हमारी संस्कृति में है। अलग अलग राज्यों में देखे होंगे अलग अलग पूजा पद्धति होती है, प्रथाएं होती है, विवाह की अलग प्रथा होती है, बच्चा जब जन्म लेता है तब अलग प्रथा होती है, मृत्यु की प्रथा अलग होती है, क्रियाएं होती है अलग अलग, क्यों होती है? तो ये सभी धर्म के अनुसार आप समाज को पथ प्रदर्शित करने के लिए धर्म शास्त्र की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसको वेबर महोदय ने बताया कि एक दूसरे की क्या है, पूरक है। अब हम कुछ रचनाएं हैं वेबर महोदय की, जैसे इसमें दिया हुआ है कि अब धर्म का बात है तो द रिलीजन, इन इंडिया इसके बाद आपका द सोशल साइंस सिटी। तो हम लोग जितने अभी पढ़े हैं वेबर महोदय के माध्यम से, इसमें हम लोग रिलीजन मींस क्या होता है, धर्म होता है, उसके बाद सोशलिज्म इकोनॉमिक मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग पूंजीवाद को देखे, इसमें
शास्त्रीय परंपरा देखे, इसके बाद सोशल साइंस, द सिटी नगर की बात की है, ये सभी क्या है, कुछ रचनाएं हैं। तो हम आज यहीं तक रखते हैं, कल और आगे इसे पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स। थैंक यू।